पेश है क़ती समाज से महरूम अफराद के लिए आज का खसूसी खबरनामा अनंतनाग जिले के टंग पावा सागम गांव में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान जो जड़प कल शाम शुरू हुई थी उसमें दो मिलीटेंटों के मारे जाने की इतना है ये जड़प उस वक्त शुरू हुई जब हिफाजती अमले को मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में एक खफिया इतला मिली जो ही हिफाजती अमला मशकूक मकाम के नजदीक पहुंचा तो छुपे हुए मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर फायरिंग की हिफाजती अमले ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें दो मिलिटेंट मारे गए हैं मजीद तफसीलात का इंतजार है समाजवादी पार्टी के सरबरा और उत्तर प्रदेश के सबक़ वजीर अल मुलायम सिंह यादव आज सुबह थे उनकी उम्र तकरीबन बयासी साल थी सदर जमहूर द्रौपदी मुर्मू नायब सदर जगदीप धनकड़ वजीरजम नरेंद्र मोदी वज़ी दाखिला अमित शाह वजीर, वजीर, शा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर कई सियासी लीडरों ने उनकी वफात पर दुख का इजहार किया है पैगम्बर आखर जमान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हु वसलम के यौम विलादत बसादत की मुनासिबत से ईद मिलादुलनबी सल्हु वसलम की तकरीब सैद मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अकीदत व अहतराम और तुझको एहतम के साथ मनाई जा रही है वादी में इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मनकद हुई जहां नमाज पंजगाना के बाद अक़दतमंद मोय पाक अंजूर सल वसम के दीदार से फैज़ियाब हुए आषार शरीफ जनाब साहब सौरा में भी ईद मिलादुलनबी सलम की तकरीब सईद के हवाले से रुह परवर मजलिस का अहमाम हुआ जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की जहां हर नमाज के बाद मोय मुकदस आंजूर सल वसलम और दीगर तबरुक के दीदार कराए गए आसारी शरीफ शहरी काबा काबामग पैठ मखामा बीरवा खेरम सिरहा आसार शेर पिंजूरा शुपै के अलावा दीगर जियारत गाहों और जात में भी मजालिस का कामाम हुआ इस दौरान किराम ने आंजूर सल्हसम के हयाती तयबा के मुख्तलिफ गोशे बयान किये वक़ब बोर्ड के एहतमाम से श्रीनगर के नगीन क्लब से दरगाह हजरत बल तक मीलाद का जुलूस निकाला गया यह जुलूस वाक बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ दरक्षा इंद्रावी की सदारत ने मुनद हुआ जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की चीफ सेक्रेटरी डॉ अरुण कुमार मेहता ने कल एक मीटिंग के दौरान श्रीनगर जम्मू को मिशारा पर ट्रैफिक की नकल हमल का जायजा लिया उन्होंने दिल्ली से यह मीटिंग वर्चुअल तरीके से तलब की इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने महकमा ट्रैफिक को मेवा उगाने वालों की एसोसिएशन के साथ मिलकर एक मौसर प्लान मुरतब करने की हिदायत दी ताकि कौमी पर ट्रैफिक की बिला खलल आवाजाही को यकीनी बनाया जाए उन्होंने इस बात को यकीन बनाने के लिए भी कहा कि वादी से बाहर जा रही मेवा बरदार ट्रकें वक़्त रहते अपनी मंजिल को पहुँचें उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ियों की जमू और श्रीनगर में आमद के हवाले से तफसी उनके दफ्तर में पेश करने की हिदायत दी मकानात व शहरी तरक्की महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता ने एक मीटिंग के दौरान जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर हो रही पेशरफ का जायजा लिया मीटिंग में बताया गया कि श्रीनगर और जम्मू शहरों के लिए सौ सौ इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं इस प्रोजेक्ट के लिए जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अमल आवरी एजेंसियां हैं मीटिंग के दौरान तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि ई बस सर्विस एक अहम प्रोजेक्ट है और ये माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट मुतारफ़ करने के हवाले से काफ़ी अहम होगा उन्होंने अमल आवरी एजेंसियों को प्रोजेक्ट की तकमील के लिए कार्रवाई में तेजी लाने और सभी हाल रुकावटों को दूर करने की हिदायत दी ताकि दोनों शहरों में यह सर्विस जल्द अज्द शुरू की जा सके मौजूदा माली साल में बारह रास्त टैक्सों की मजमू वसूली में पिछले साल के मुकाबले तेईस फीसद से ज्यादा का इजाफा हुआ और ये आठ लाख अट्ठानवे हजार करोड़ रुपए तक पहुँच गए वजारती खजाना के मुताबिक बरह रास्त टैक्सों की वसूली की अबूरी शुमार से जाहिर होता है कि इसमें लगातार इजाफा हो रहा है बरह रास्त टैक्स की वसूली मजमू रिफंड्स सात लाख पैंतालीस हजार करोड़ रुपए हैं, जो कि गुज्त बरस इसी मदत के मुकाबले मजमू वसूली से सोलह आशारिया तीन फीसद ज्यादा है वजारत ने बताया कि यह वसूली रवा माली बरस के लिए बरह रास्त टैक्सों के बजट के मजमू तखमीनों से बावन फीसद ज्यादा है श्रीनगर लह शहर पर जेरतामीर ज़ोज़िला टनल प्रोजेक्ट पर काम शदमद के साथ जारी है इस प्रोजेक्ट को अमलाने वाली एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर और इंचार्ज प्रोजेक्ट मैनेजर ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि बड़ी तादाद में अफराधी कुवत इस अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रही है उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की आखिरी टनल इंतहाई हसास जोजिला पास को चीरती हुई लद्दाख को सोनमर्ग से मिलाएगी उन्होंने कहा कि आधा किलोमीटर मुसाफत वाली नील टनल वन और दो किलोमीटर मुसाफत वाली नीलगराह टनल टू का तामीरी काम मुकम्मल किया गया है इसके साथ यह खबर नामा खत्म हुआ आपसे इजाजत चाहेंगे अल्लाह हाफिज